किसी गांव में मीनाक्षी नाम की एक लड़की रहती थी। मीनाक्षी 10 साल की थी। एक दिन हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा होता है, जिसके बाद मीनाक्षी के माता पिता की मौत हो जाती है। मीनाक्षी अपने माँ पापा को आखिरी बार देख भी नहीं पाती है, लेकिन पड़ोस में रहने वाले लोग उसे सारी बातें बता देते हैं। मीनाक्षी रोते हुए सड़क किनारे खड़ी रहती है और बोलती है, अब मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? मेरा सब कुछ मेरे पापा ही थे और अब वो भी मुझे छोड़कर जा चुके हैं। लगता है एक दिन ऐसे ही भटकते भटकते मैं भी ये दुनिया छोड़कर चली जाऊंगी। मीनाक्षी को इस तरह रोते हुए राजीव नाम का एक आदमी देख लेता है। राजीव मीनाक्षी के पास जाता है और बोलता है, बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? राजीव के पूछने पर मीनाक्षी उसे सारी बात बता देती है। राजीव को मीनाक्षी पर बहुत तरस आता है और वो उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। मीनाक्षी को देख राजीव की बीवी मीनू हैरान रह जाती है और राजीव से कहती है, राजीव जी जरा कमरे में आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मीनू राजीव को कमरे में ले जाती है और बोलती है, ये आप किस गरीब को उठा लाए? मीनू, इसके मम्मी पापा नहीं है इसलिए ये सड़क किनारे रो रही थी। फिर मैंने सोचा हमारे भी तो कोई बच्चे नहीं है, इसलिए मैं इसे ले आया। आज से तुम इसे अपनी बच्ची की तरह ही प्यार करना। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं किसी और के बच्चे को अपने बच्चे की तरह कैसे प्यार कर सकती हूँ? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? ना जाने क्यों ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। मीनू जरा ध्यान से सोचो, उसे मम्मी पापा की कमी है और हमें एक बच्चे की, तो फिर इसे अपनी बेटी मानने में क्या हर्ज है? इस बारे में अब हम कभी कोई बात नहीं करेंगे। ये लड़की हमारे साथ हमारे घर में ही रहेगी। और हाँ, मुझे बिजनेस के काम से 2 दिन बाद 4 महीने के लिए राजस्थान जाना है, इसलिए तुम मीनाक्षी का अच्छे से ख्याल रखना। इतना बोलकर राजीव वहाँ से चला जाता है। राजीव के जाने के बाद मीनू अपने मन में सोचती है, 2 दिन रुक जाती हूँ, फिर इस लड़की को सबक सिखाऊंगी। इस तरह 2 दिन तक मीनू मीनाक्षी का अच्छे से ख्याल रखती है। राजीव के जाने के बाद मीनू मीनाक्षी को अपने असली रंग दिखा देती है। मीनू मीनाक्षी को सही से खाने के लिए भी नहीं देती थी और उसके घर का सारा काम करवाती थी। मीनाक्षी बहुत ही अच्छी और दयालु लड़की थी, इसलिए वो सारा काम हंसी खुशी चुपचाप कर देती थी और कभी भी मीनू को कुछ नहीं कहती थी। एक दिन की बात है, मीनू मीनाक्षी को बुलाती है। मीनाक्षी, ओ मीनाक्षी। मीनू की आवाज़ सुन मीनाक्षी आती है। उसके बाद मीनू बोलती है, मेरे लिए छोले भटूरे बना। लेकिन अभी का खाना तो मैंने बना दिया है, वैसे भी छोले भटूरे बनाने में बहुत टाइम लगता है। मैं कल जरूर आपके लिए छोले भटूरे बना दूंगी, अभी आप यही खा लीजिए वरना खाना बर्बाद हो जाएगा। क्या कह रही है, तू होती कौन है मुझे इसे बताने वाली? मैं कुछ भी खाऊं या ना खाऊं, इसे तुझे क्या, तेरा काम है सिर्फ बनाना। ठीक है, मैं अभी बना कर लाती हूँ। मीनाक्षी किचन में जाती है और मीनू के लिए छोले भटूरे बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद छोले भटूरे बन जाता है और मीनू खा लेती है। खाने के बाद मीनू बोलती है, कल मेरा जन्मदिन है इसलिए मैंने पार्टी रखी है और मेरी सहेलियां आ रही है, इसलिए ये खाने की लिस्ट है, कल ये सब बना दियो। और हाँ, बर्थडे पार्टी की सारी सजावट भी तुझे करनी है, सब कुछ समय से हो जाना चाहिए। इतना सारा काम मैं अकेले इतना कुछ कैसे कर पाऊंगी? ये सब मुझे नहीं पता, मैंने जो कहा है समय से हो जाना चाहिए। अगले दिन मीनाक्षी सुबह जल्दी उठती है और काम में लग जाती है। घर की सफाई करने के बाद मीनाक्षी खाना बनाने लगती है। मीनाक्षी किचन में खाना बना रही थी, तभी थोड़ी देर बाद मीनू आती है और बोलती है, कितना धीरे धीरे काम कर रही है तू, अरे जल्दी जल्दी हाथ चला। कर तो रही हूँ, आपने बहुत सारे तरह तरह के खाना बनाने के लिए कहा है इसलिए समय लग रहा है। नहीं, मेरी सहेलियाँ आती ही होंगी, तूने अभी तक घर की सजावट भी नहीं की है, इसलिए आधे घंटे में सारा खाना बनकर तैयार हो जाना चाहिए। क्या, आधे घंटे? ये तो बहुत कम है। अगर आधे घंटे में खाना नहीं बना तो मार खाने के लिए तैयार हो जाइयो। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में तैयार होने, आधे घंटे बाद मैं यहाँ आऊँगी। इतना बोलकर मीनू वहाँ से चली जाती है। मीनाक्षी बहुत घबरा जाती है, इसलिए घबराहट की वजह से वो बेहोश हो जाती है।
किचन की खिड़की के बाहर से एक जादूगरनी ये सब देख रही होती है। मीनाक्षी के बेहोश होने के बाद खिड़की के बाहर से जादूगरनी जादू करती है, जिसकी वजह से एक पल में ही सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है और घर की सजावट भी हो जाती है। तभी थोड़ी देर बाद मीनाक्षी की आंखें खुलती है और वो ये सब देखकर हैरान रह जाती है। अरे ये सब किसने किया? इतनी जल्दी इतना सारा खाना बनकर तैयार हो गया और घर की सजावट भी हो रखी है, पर मैंने तो ये सब नहीं किया है। तभी मीनू वहाँ पर आती है और बोलती है, अरे वाह, इतनी जल्दी सारा काम कर लिया तूने। हाँ, आपने कहा था ना जल्दी करने के लिए, इसलिए मैंने बहुत जल्दी जल्दी हाथ चलाया। तभी मीनू की सहेलियां आ जाती है और मीनू अपनी सहेलियों के पास चली जाती है। मीनू के जाने के बाद मीनाक्षी सोचने लगती है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। मीनू अपनी सहेलियों से बातें कर रही थी, लेकिन उसके दिमाग में बार बार यही बात आ रही थी कि आखिर इतनी जल्दी मीनाक्षी इतना सारा काम कैसे कर सकती है। थोड़ी देर बाद मीनू की बर्थडे पार्टी शुरू हो जाती है और सब बहुत मस्ती करते हैं। कुछ घंटों बाद बर्थडे पार्टी खत्म हो जाती है और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन मीनू मीनाक्षी को अपने साथ एक पहाड़ के पास लेकर जाती है और बोलती है, मीनाक्षी तू देख रही है ना इस पहाड़ पर कितनी गंदगी फैली है। लोग यहाँ पर घूमने आते हैं और कूड़ा कचरा फैलाकर चले जाते हैं। कल तूने बहुत जल्दी सारा काम कर लिया था ना, इसलिए 15 मिनट में ये पूरा पहाड़ साफ करके दिखा। लेकिन ये पूरा पहाड़ 15 मिनट में कैसे साफ हो सकता है? इसे साफ करने में तो ना जाने कितने महीने लग जाएंगे। कल भी तो तूने 15 मिनट में इतना सारा खाना भी बना लिया था और घर की सजावट भी कर ली थी, वो भी तो इतने कम समय में नहीं हो सकता था। लेकिन तूने किया ना, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है, तू ये भी कर लेगी। मैं भी घर जाती हूँ, 15 मिनट बाद फिर से आऊँगी। और हाँ, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तुझे अपने घर में फिर से नहीं आने दूंगी। मीनाक्षी अच्छे से जानती थी कि वो 15 मिनट में ये पहाड़ साफ नहीं कर सकती है, लेकिन मीनू की धमकी की वजह से वो बहुत परेशान होती है और रोने लगती है। तभी वहाँ पर वही जादूगरनी आ जाती है जिसने मीनाक्षी की मदद की थी। जादूगरनी एक लड़की का रूप लेकर मीनाक्षी के पास जाती है और कहती है, क्या हुआ? मीनाक्षी उसे सारी बातें बता देती है। मीनाक्षी की बात सुनने के बाद वो बोलती है, अच्छा तो इतनी सी बात की वजह से तुम रो रही थी, अब तुम यहाँ से जाओ, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मीनाक्षी वहाँ से चली जाती है, लेकिन चलते चलते मीनाक्षी सोचती है, ये लड़की कौन है और सब कुछ जानने के बाद भी इसने मुझे जाने के लिए क्यों कहा? कल भी पता नहीं वो सब जादू कैसे हुआ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। मैं फिर से वहाँ जाती हूँ। इतना सोचकर मीनाक्षी फिर से वहाँ जाती है। वहाँ पहुँचकर मीनाक्षी देखती है कि पहाड़ों की सफाई हो गई है और वो लड़की भी वहाँ नहीं है। तभी वहाँ पर मीनू आ जाती है और पहाड़ों की सफाई देख हैरान रह जाती है। ये सब तुमने कैसे किया? हाथों से और किससे? मैंने हमेशा आपकी सारी बात मानी है, इसलिए मैंने अपना ये काम भी पूरा किया। मीनू को समझ नहीं आ रहा था और वो वहाँ से हैरानी के साथ अपने घर चली जाती है। मीनू के जाने के बाद मीनाक्षी अपने मन में सोचती है, पता नहीं वो लड़की कौन है जो मेरी मदद करती है। मीनाक्षी के इतना कहते ही जादूगरनी प्रकट हो जाती है और बोलती है, मैं वही लड़की हूँ जिसने थोड़ी देर पहले तुम्हारी मदद की थी, और हाँ, जब तुम बेहोश हो गई थी उसके बाद मैंने ही सारा खाना अपने जादू से तैयार किया था और घर की सजावट भी मैंने ही की थी। लेकिन आप ये सब क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी, मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। जब तुम्हारे माता पिता की मौत हुई थी मैं उसी वक्त तुम्हें अपने साथ ले जाने आई थी, लेकिन मैंने मीनू के पति को तुमसे बात करता हुआ देखा, इसलिए मैं वहाँ से चली गई। उस दिन के बाद से मैं तुम पर नजर रखती थी कि तभी मुझे पता चला कि मीनू तुम पर बहुत अत्याचार करती है, इसलिए मैंने सोच लिया कि अब से मैं तुम्हारी मदद किया करूँगी। जादूगरनी की ये बात सुनकर मीनाक्षी खुश हो जाती है और उसका धन्यवाद करती है। मीनाक्षी मैं हर वक्त तुम्हारे आसपास नहीं रह सकती,
इसलिए मैं तुम्हें ये मखमली लहंगा दे रही हूँ। जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो इसे पहन लेना और इसे अपनी इच्छा बता देना, ये तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करेगी। इतना बोलकर जादूगरनी वहाँ से चली जाती है। जादूगरनी के जाने के बाद मीनाक्षी लहंगा पहन लेती है और रहने के लिए एक घर मांगती है। उसके बाद लहंगा एक घर प्रकट कर देता है। उस दिन से मीनाक्षी उसी घर में रहने लगती है और जब भी उसे किसी भी चीज की जरूरत होती थी तो मखमली लहंगे से मांग लेती थी। वहीं दूसरी तरफ एक दिन मीनू अपने मन में सोचती है, 4 दिन हो गए हैं लेकिन पता नहीं ये लड़की कहाँ है। मैंने सोचा था कि अच्छा हुआ ये चली गई, लेकिन इसके जाने के बाद सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। मुझे इसको ढूंढना पड़ेगा, आखिर कब तक मैं सारा काम करती रहूंगी। इतना बोलकर मीनू मीनाक्षी को ढूंढने निकलती है। मीनू बहुत देर तक मीनाक्षी को ढूंढती है लेकिन उसे मीनाक्षी कहीं नहीं मिलती है। थक हार कर वह सड़क के एक कोने पर बैठ जाती है। तभी उसके गांव की एक शीला उसे कहती है, क्या हुआ मीनू बहन, सब कुछ ठीक तो है। कुछ ठीक नहीं है शीला, पता नहीं लड़की मीनाक्षी कहाँ चली गई है, उसी को ढूंढ रही हूँ। अरे तुझे पता नहीं है क्या, वो तो बड़े ऐश से एक बड़े से घर में रह रही है। यहाँ तक कि मीनाक्षी अब इतनी अमीर हो गई है कि वो गरीब लोगों की मदद भी करती है। हर महीने गरीबों में खाना और कंबल बांटती है। अच्छा, तुझे पता है कि वो कहाँ रहती है। हाँ भला यहाँ कौन नहीं जानता उसका घर। चल मैं तुझे उसका घर दिखा देती हूँ। उसके बाद शीला मीनू को मीनाक्षी का घर दिखा देती है और खुद वहाँ से चली जाती है। मीनू मीनाक्षी का घर देख बोलती है, आखिर ये सब हुआ कैसे। उसके बाद मीनू घर के अंदर जाती है और मीनाक्षी के सामने जाकर बोलती है, मीनाक्षी बेटी कहाँ चली गई थी तू, इतने दिनों से मैं तुझे हर जगह ढूंढ रही थी। वो तो भला हो शीला बहन का जिसने मुझे तेरा घर दिखा दिया। चल बेटा अपने घर चल, हम दोनों साथ में हंसी खुशी रहेंगे। वैसे जरा ये तो बता, तेरे पास इतना सब कुछ आया कैसे। हाँ मैं अभी वही सोच रही थी कि आपने मेरे से ये सवाल क्यों नहीं पूछा। क्या करोगी इस सवाल का जवाब जानकर, आपको मेरे साथ जितना बुरा करना था कर चुकी हो, अब आप मेरे घर से चली जाओ। नहीं बेटी ऐसा मत बोल, इतने समय से मैंने तुझे अपने पास रखा। हाँ क्योंकि मैं आपके घर के सारे काम करती थी, उसमें भी आप मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करती थी। मैंने कहा ना आप मेरे घर से चली जाओ। तभी मीनू की नज़र उस मखमल लहंगे पर जाती है और वो अपने मन में सोचती है, इतना सुंदर लहंगा इसके पास कैसे आया। मुझे तो लग रहा है कि अचानक इसके पास इतना दौलत आने का कारण यही लहंगा है। एक काम करती हूँ, जाते जाते ये लहंगा चोरी करके जाती हूँ। इतना सोचकर मीनू मीनाक्षी से कहती है, ठीक है मीनाक्षी बेटा मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं तुझे ढूंढते ढूंढते थक गई थी इसलिए मुझे प्यास लग रही है, जरा मेरे लिए पानी ले आ। मीनाक्षी मीनू के लिए पानी लेने जाती है। मीनाक्षी के जाने के बाद मीनू लहंगा चोरी करने की कोशिश करती है। मीनू जैसे ही लहंगे में हाथ लगाती है उसे जोर से बिजली का झटका लगता है। मीनू बहुत डर जाती है और तुरंत वहाँ से भाग कर अपने घर चली जाती है। उस दिन के बाद से मीनू कभी मीनाक्षी के घर नहीं आती है और यहाँ मीनाक्षी जादुई मखमली लहंगे के साथ अपना हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रही थी। बहुत समय पहले की बात है, मोतीनगर नामक गांव में दो अनाथ बहनें नैना और सुनैना अपने चाचा चाची के साथ रहा करती थी, क्योंकि कुछ समय पहले ही एक सड़क हादसे में नैना और सुनैना के माता पिता की मृत्यु हो जाती है, जिस वजह से दोनों बहनें अपने चाचा चाची के पास उनके घर आ जाती है। लेकिन उनकी चाची वर्षा दोनों बहनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। नैना बड़ी थी और सुनैना अभी बहुत छोटी थी। वर्षा नैना से घर का सारा काम कराया करती थी और कभी कभी वर्षा का बस चलता तो वो सुनैना से भी घर का थोड़ा बहुत काम करा लिया करती थी। ऐसे ही एक दिन नैना रसोई में बर्तन मांज रही होती है कि तभी सुनैना वहाँ आती है और अपनी बड़ी बहन नैना से कहती है, दीदी अगर मैं इस तरह से घर के छोटे छोटे काम करती रही तो मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगी। मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ और पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ ताकि हम इस नर्क जैसी जिंदगी से बाहर निकल आएं।
दीदी एक बार चाची से बात करके देखो ना, क्या पता वो मेरा स्कूल में एडमिशन ही करवा दे। अगर ऐसा हुआ तो कितना अच्छा होगा ना, मैं यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाऊंगी। दीदी बात करो ना। सुने ना मेरी प्यारी बहन, ये ख्वाब जो तुम देख रही हो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरी प्यारी बहन इस ख्वाब को हकीकत बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि चाची जी ऐसा नहीं होने देंगी। चाची जी ने हमें अपने घर में रहने की जगह तो दे दी, लेकिन वो हमें इस घर का सदस्य नहीं मानती। उनके मुताबिक तो हम बस एक नौकर हैं। तुम तो जानती ही हो वो हमसे किस तरह नौकरों की तरह काम करवाती है। फिर तुम ही बताओ वो तुम्हें स्कूल कैसे जाने देगी। नैना और सुनैना आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी वर्षा वहाँ आ जाती है और नैना को जोर से एक थप्पड़ मारकर कहती है, करमचली यहाँ खड़ी गप्पे लड़ा रही है, तुझे मैंने कितनी देर पहले कहा था कि मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आ, लेकिन महारानी अपनी बहन के साथ रसोई में खड़ी बातें कर रही है। चाची जी मुझे माफ कर दो, मेरे दिमाग से निकल गया, बस मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं अभी फटाफट आपके लिए खाना बनाकर लाती हूँ। ऐसा कहकर बेचारी नैना जल्दी जल्दी वर्षा के लिए खाना बनाती है, फिर खाना बनाकर अपने चाचे के कमरे में लेकर जाती है। वर्षा गर्मा गर्म खुशबूदार खाना खाने लगती है। नैना वहीं खड़ी थी और सुनैना की बोली बातों को सोच रही थी, तभी वो बहुत हिम्मत करती है और अपनी चाची से कहती है, चाची जी सुनैना पढ़ना चाहती है, उसका बहुत दिल करता है कि वह स्कूल जाए, कृपया करके आप उसका स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए। आप चाहे तो मुझसे रात दिन जितना मर्जी काम करवा लेना, मैं कभी मना नहीं करूंगी, लेकिन बस आप मेरी बहन को स्कूल जाने की परमिशन दे दीजिए, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। नैना की बातें सुनकर वर्षा को गुस्सा आ जाता है, वो गरम गरम खाने की प्लेट उठाकर नैना के ऊपर फेंक देती है। उसके बाद नैना को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, मनहूस तेरी बहन पढ़ लिख कर कौन सा कलेक्टर बन जाएगी, रहना तो उसे फिर भी मेरे घर की नौकरानी बनकर ही पड़ेगा। आज तो तूने मेरे सामने ये बात कर दी, अगर तूने दोबारा से अपनी बहन के स्कूल जाने की बात की तो फिर मैं तुम दोनों बहनों को अपने घर से धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगी। फिर रहना सड़क पर भीख मांगते हुए, मैंने तुम्हें इस घर में रहने की जगह दी है, क्या इतना तुम्हारे लिए काफी नहीं है? महारानी की बहन को स्कूल जाना है, चल अब निकल यहाँ से, सारा मूड खराब कर दिया मनहूस। बेचारी नैना रोते हुए अपनी चाची के कमरे से बाहर आ जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। तभी सुनैना अपनी बहन के लिए दवा लेकर आती है और कहती है, दीदी मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं आपसे स्कूल जाने की बात नहीं करती तो आप चाची से भी बात नहीं करती, और ना ही चाची आपकी इतनी पिटाई करती और गरम गरम खाना आपके ऊपर नहीं फेंकती। दीदी ये दवा लगा लीजिए, इससे आपके जख्म ठीक हो जाएंगे। आज के बाद मैं कभी स्कूल जाने के बारे में नहीं कहूँगी, अपने दिल और दिमाग से तो वहाँ जाने की बात ही निकाल दूंगी। ऐसा कहकर सुनैना बहुत रोती है और नैना भी अपने जख्मों पर दवा लगा लेती है और दोनों बहनें रोते रोते सो जाती है। सुबह होते ही वर्षा नैना और सुनैना को जोर जोर से आवाज लगाने लगती है, नैना सुनैना अरे कहाँ मर गई दोनों, जल्दी से यहाँ आओ। वर्षा की आवाज़ सुनकर नैना और सुनैना जल्दी से उसके पास आ जाती है। अरे करमचली कितना सोती है, अब सुन मेरी बात, मेरी बेटी अपने नानी के घर से वापस आ रही है, उसको गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए घर की पूरी तरह से अच्छे से सफाई कर देना, उसके कमरे को तो बिल्कुल परियों के कमरे की तरह सजा देना, और हाँ 5 तरह के अलग अलग पकवान भी बना लेना, उसे अलग अलग खाना बहुत पसंद है। और तू सुन सुनैना की बच्ची, तू पूरे गार्डन की सफाई करेगी, मेरी बेटी को गार्डन भी गंदा पसंद नहीं है, सब कुछ शीशे की तरह चमकना चाहिए। अगर मेरी बेटी को तुम दोनों बहनों की वजह से कोई भी परेशानी हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब चलो यहाँ से, अपने अपने काम पर लग जाओ। बेचारी नैना के हाथों पर अभी भी जलने की वजह से घाव थे, उनमें अभी भी बहुत जलन हो रही थी, लेकिन वो अपनी चाची को काम करने से मना नहीं कर सकती थी, उसकी मजबूरी थी। ऐसे ही घाव और जलन में उसने घर की सफाई की, फिर उसने वर्षा की बेटी का कमरा एक परी के कमरे की तरह सजा दिया। उसके बाद इतने दर्द में इतनी जलन में बहुत मुश्किल से चूल्हे के पास जाकर 5 तरह के अलग अलग पकवान बनाती है।
वहीं दूसरे तरफ सुनैना गार्डन की सफाई कर रही थी। ऐसे ही दोनों बहनें अपना अपना काम कर रही थी। शाम को वर्षा की बेटी जूली अपनी नानी के घर से वापस आ जाती है और वो डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपनी माँ के साथ खाना खाने लगती है। तभी उसकी नज़र दोनों बहनों के ऊपर जाती है और वो अपनी माँ से कहती है, ओहो मम्मी, मुझे आपको कितनी बार समझाना पड़ेगा कि मुझे ऐसी बहनजू टाइप नौकरानी बिल्कुल पसंद नहीं है। मम्मी, नौकरानी का भी तो ढंग का स्टेटस होना चाहिए, मुझे ये दोनों बिल्कुल पसंद नहीं आई। और तो और इन्होंने खाना भी अच्छा नहीं बनाया, देखो तो कितनी मिर्च डाल रखी है और तो नमक भी तेज कर रखा है। आप इन्हें फौरन इस घर से बाहर निकाल दीजिए। जैसी नौकरानी मुझे पसंद है इस घर में वैसी ही नौकरानी रहेगी। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ मेरी बच्ची, मैं समझ गई हूँ, तुझे ये दोनों नौकरानी पसंद नहीं आई। तो कोई बात नहीं, जैसी नौकरानी तुझे पसंद है मैं वैसी ही नौकरानी रखूंगी। और तुम दोनों अभी के अभी अपना सामान पैक करो और मेरे घर से निकल जाओ। दोबारा यहाँ अपनी शक्ल मत दिखाना, क्योंकि मेरी बेटी को तुम पसंद नहीं आई। मेरी बेटी की पसंद मेरे लिए सबसे पहले है। चलो निकलो यहाँ से। अपनी चाची की बात सुनकर नैना रोने लगती है। रोते हुए उनसे कहती है, चाची जी ये अब क्या कह रही है? इतनी रात को हम दोनों बहनें कहाँ जाएंगे? और तो और बाहर बारिश भी हो रही है, हमारा आपके सिवा और है ही कौन? चाची जी मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आपके हाथ जोड़ती हूँ, कृपया करके हमें घर से मत निकालिए। हाँ चाची जी, नैना दीदी बिल्कुल सही कह रही है, हम इतनी रात को कहाँ जाएंगे? और मुझे तो अंधेरे से बहुत डर लगता है, बाहर बहुत तेज बारिश भी हो रही है, हम दोनों बीमार पड़ जाएंगी। कृपया करके हम दोनों बहनों को घर से बाहर मत निकालिए। आप हमसे जितना काम करने के लिए कहेंगी हम उतना काम करने के लिए तैयार हैं, और जूली दीदी को भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। कृपया करके हमें मत निकालिए चाची जी। दोनों बहनें अपने चाची के आगे बहुत गिड़गिड़ाती है, उनके पैर भी पड़ती है, लेकिन उनके चाची को उनके ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं आता। वो धक्के मारकर दोनों को घर से बाहर निकाल देती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और हवा भी चल रही थी। दोनों बहनें धीरे धीरे कर आगे बढ़ती है, लेकिन उन्हें ना रहने के लिए कोई जगह मिलती है और ना ही अपना सिर ढकने के लिए। भीगने की वजह से दोनों बहनें ठंड के मारे कांपने लगती है। फिर कुछ देर और आगे चलकर उन्हें एक पेड़ दिखाई देता है। वो दोनों बारिश रुकने तक उस पेड़ के नीचे चली जाती है और वहीं सो जाती है। सुबह होने के बाद सुनैना रोते हुए नैना से कहती है, दीदी अब हम दोनों बहनें कहाँ जाएंगी? दीदी हम दोनों ने कल से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं भूखे पेट एक भी कदम नहीं चल सकती। अब हम कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे? ये हमारे ऊपर कैसी मुसीबत आ पड़ी दीदी, हमारा तो इस दुनिया में एक दूसरे के सिवा और कोई है भी नहीं। सुनैना मेरी प्यारी बहन, ऐसे नहीं रोते, जब एक रास्ता बंद हो जाता है तो दूसरा रास्ता अपने आप खुल जाता है। अगर हमारा कोई नहीं है तो हम तो हैं, एक दूसरे का सहारा। हम जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करेंगे और अपने लिए जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाएंगे, फिर हम वहीं रहेंगे। और रही खाने की बात, तो मैं लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करूंगी, वहां से जो भी पैसे मिलेंगे उसी से हम अपना गुजारा कर लेंगे। ठीक है मेरी प्यारी बहन, आप रो मत। मत रो मेरी बहन, ऐसे नहीं रोते, चुप हो जा। ऐसा कहकर दोनों बहनें गले लगकर बहुत रोती है। फिर उसके बाद दोनों बहनें जंगल की ओर चली जाती है। दोनों मिलकर लकड़ियां इकट्ठा करती है और उससे अपनी कुटिया बना लेती है। उसके बाद नैना बड़े बड़े घरों में काम की तलाश में जाती है और उनसे झाड़ू पोछे का काम मांगती है। पूरे दिन घूमने के बाद नैना को एक घर में काम मिल जाता है। अब नैना जमींदार के घर साफ सफाई का काम करने लगती है। उसे वहाँ काम करके जो भी पैसे मिलते थे उसी से वो अपना और अपनी बहन का पालन पोषण करने लगती है। एक दिन नैना सोचती है, सुनैना पढ़ना चाहती है, अगर मैं और ज्यादा मेहनत करूं, एक समय खाना खाऊं, तो जो पैसे बचेंगे उसी से मैं सुनैना का स्कूल में एडमिशन करवा दूंगी। मेरा क्या है, एक समय खाना खाकर भी मेरा गुजारा हो जाएगा। हाँ यही ठीक रहेगा। ऐसा सोचकर नैना सुनैना को दो वक्त का खाना खिलाती है और खुद सिर्फ एक वक्त का ही खाना खाती है। और अब नैना पांच घरों में झाड़ू पोछा करने का काम करती है।
और ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठा करती है ताकि वो सुनैना का स्कूल में एडमिशन करवा सके। कुछ ही दिनों में उसके पास इतने पैसे इकट्ठे हो चुके थे जिनसे वो सुनैना का स्कूल में एडमिशन करवा सकती थी। नैना बहुत खुश थी कि अब सुनैना का सपना पूरा हो जाएगा, लेकिन अचानक उनकी जिंदगी में एक तूफान आता है। एक रात को जब दोनों बहनें सो रही थी तो उनके घर में चोर घुस आते हैं और वो सारे पैसे चुरा कर ले जाते हैं। सुबह उठकर दोनों बहनें जब ये देखती हैं तो उनके कुटिया में कुछ भी नहीं था। ये देखकर दोनों बहनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नैना बहुत ज्यादा रोती है। सुने ना मेरी प्यारी बहन, ये क्या अनर्थ हो गया। हमारे घर में जो भी था सब चोरी हो गया। मैंने कितनी मेहनत करके सब कुछ जोड़ा था लेकिन चोरों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। हे भगवान, ये हम गरीबों की कैसी परीक्षा है जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। एक के बाद एक बस आती ही रहती है। नैना मैं काम पर जा रही हूँ, मालकिन से कुछ पैसे मांग कर देखूंगी, अगर मिल गए तो घर का राशन लेकर आ जाऊंगी, ठीक है। ऐसा कहकर नैना रोते हुए घर से बाहर काम करने के लिए जा रही थी तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत बेहोश पड़ी मिलती है। उसे देखकर नैना जल्दी से उनके पास जाती है और उनको होश में लाने के लिए पास की नदी से अपने हाथों में पानी का कुछ अंश लेकर आती है और उनके मुंह पर छिड़काव करती है। बूढ़ी औरत को होश आ जाता है तभी बूढ़ी औरत अचानक एक परी में बदल जाती है और वो नैना से कहती है, नैना तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। मैं देख रही थी कि तुम्हारे साथ इतना बुरा होने के बाद क्या तुम किसी की मदद करोगी, इसलिए मैंने एक बूढ़ी औरत का रूप लिया था। तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें जादुई सोने चांदी के नेकलेस और झुमके की नदी के पास लेकर चलती हूँ। ऐसा कहकर परी नैना को अपने साथ जादुई सोने चांदी के नेकलेस और झुमके की नदी के पास ले जाती है। तभी जादुई सोने चांदी के नेकलेस और झुमके की नदी में से आवाज आती है, अरे नटखट परी, तुम इस लड़की को अपने साथ यहाँ लेकर आई हो, इसका मतलब मेरी नदी से इसे जादुई नेकलेस और झुमका देना चाहती हो। लेकिन तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि जब तक ये लड़की परीक्षा में पास नहीं होगी तब तक मैं इसकी मदद नहीं कर सकती। हाँ तो तुम सुनो लड़की, अगर तुम जादुई चांदी के नेकलेस और झुमकों की नदी की ओर जाओगी तो तुम्हारे सामने सोना हीरे जवाहरात बहुत सारे धन दौलत बड़ी मिलेगी, और अगर जादुई सोने के नेकलेस और झुमके की नदी की ओर जाओगी तो वहाँ बहुत सारी बूढ़ी औरतें हैं, उन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है। बताओ अब तुम दोनों नदियों में से कौन सी नदी की ओर जाओगी? जादुई सोने चांदी के नेकलेस और झुमकों की नदी, मेरे माता पिता ने हमें हमेशा सिखाया है अपने से बड़े की मदद करना और उनकी सेवा करना पुण्य का काम होता है और पुण्य धन दौलत से बढ़कर होता है, इसलिए मैं धन दौलत नहीं चाहती बल्कि मैं उन बूढ़ी औरतों की मदद करना चाहूँगी, उनकी सेवा करना चाहूँगी। सच में नटखट परी, इस लड़की का दिल बहुत साफ है, इसके मन में लालच नहीं है। नैना तुम अपनी परीक्षा में पास हो चुकी हो इसलिए तुम्हें जादुई सोने का नेकलेस और झुमके मिलते हैं। तुम इससे जो भी चाहो मांग सकती हो, कितना भी धन दौलत, तुम्हारी जरूरत का सामान, ये नेकलेस और झुमके तुम्हें सब कुछ देंगे। नटखट परी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे जादुई सोने चांदी के नेकलेस और झुमके की नदी से जादुई नेकलेस और झुमके देने के लिए। नैना नटखट परी को धन्यवाद कर घर वापस आ जाती है। सुनैना को जादुई सोने के नेकलेस और झुमके के बारे में सब बताती है और सुनैना जादुई सोने के नेकलेस और झुमको से कहती है, जादुई सोने के नेकलेस और झुमके, हमारे सामने एक महल जैसा घर आ जाए जिसके अंदर किसी चीज की कमी ना हो और हम दोनों बहनों के लिए सुंदर सुंदर ड्रेस, स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान, ये सब हमारे सामने आ जाए। सुनैना के इतना कहते ही जादुई सोने के नेकलेस और झुमके उनके सामने एक महल जैसा घर प्रकट कर देती हैं। उस घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, साथ ही उसमें उनके लिए सुंदर सुंदर ड्रेस और स्वादिष्ट पकवान भी थे। ये सब देखकर दोनों बहनें बहुत खुश होती है
और फिर दोनों बहनें शहजादी की तरह अपनी जिंदगी जीती है। नैना सुनैना का एडमिशन स्कूल में भी करवा देती है। अपनी बहन को पढ़ाई में मन लगाते देख और स्कूल जाते देख नैना बहुत खुश होती है। साथ ही नैना अपने जैसे अनाथ बच्चों की बहुत मदद करती है और उनके लिए जादुई सोने के नेकलेस और झुमके से एक अनाथालय की मांग करती है। इसी तरह दोनों बहनें खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती है।